इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज स्टेशन के पास में ही स्थित होटल स्टे इन के अंदर रूम नंबर 203 के बाहर हम मौजूद हैं। ये वो रूम नंबर है जहां पर अतीक अशरफ के शूटर 13 अप्रैल को आए थे और यहां पर उन्होंने होटल को अपने जो आई कार्ड दिए थे वो फर्जी तरीके से दिए थे और यहीं पर आकर तीनों शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य रुका हुआ था। यहाँ से 8:30 बजे के करीब में रात में चेक इन करने के बाद ये सभी छत पर जाते हैं, वहाँ से रेकी करते हैं। उसके बाद जैसे ही होटल के बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर ई रिक्शा बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में चलता है और ई रिक्शा पकड़कर ये सीधे यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है कॉलविन अस्पताल, वहाँ जाते हैं, वहाँ पर रेकी करते हैं और उसके बाद फिर से अस्पताल आ जाते हैं। एक बार तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। रूम नंबर 203 होटल स्टे इन प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के पास में अपोजिट में ये स्थित होटल है और यहीं पर आकर तीनों रुके हुए थे। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह का ये होटल है, अगर हम इसको दिखाने की एक बार कोशिश करें अपने कैमरामैन कालीकान जी के द्वारा कि ये ठीक ठाक होटल है, मतलब हो ऐसे में यहाँ पर जिस तरह का ये होटल है यहाँ पर आकर रुकना, मतलब इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था की गई और उसके बाद ये सभी आकर यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ होटल के कमरे से आपको बता दें 2 मोबाइल बरामद हुआ है, हालांकि दोनों में सिम नहीं लगा हुआ है, लेकिन पुलिस उन दोनों SIT ने दोनों मोबाइल को आज ही रिकवर किया हुआ है इसी होटल से। अब दोनों को भेजा जाएगा FSL के लिए जहां पर डेटा रिट्रीव किया जाएगा कि मोबाइल में कितना डेटा है, किन किन लोगों से बात की गई थी, वो भी पता करने की कोशिश की जाएगी जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर जब ये अस्पताल कॉलविन गए हुए थे या उससे पहले जब यहाँ पर आए, पूरे जगहों की रेकी की, अतीक अशरफ के सिक्योरिटी की, अतीक अशरफ का मूवमेंट कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, पुलिस स्टेशन से सीधे बात की जाए तो अस्पताल लेकर जाया जाता है, कोर्ट लेकर जाया जाता है, तो ऐसे में उस मोबाइल के ज़रिए बहुत कुछ जानकारियाँ निकलने वाली हैं जिससे इनके खास मास्टरमाइंड शूट जो इनका मास्टरमाइंड है उसके बारे में पता चल पाएगा, जिसने फंडिंग की थी इनके पैसे की, इनके रहने खाने ठिकाने इनके पूरी व्यवस्था की थी उसके बारे में पता चल पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो टर्किश जिग्नामेट पिस्टल है वो उसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए है, आखिर उन तक कैसे पहुंची, किसने मुहैया कराई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है SIT के सामने। यही वजह है कि जब दोनों मोबाइल रिकवर हुए हैं तो उसमें कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ें बरामद होंगी, खास हालांकि ये शार्प इतने थे शूटर तीनों की मोबाइल्स का सिम फेंक दिया था, और ऐसे में जो मोबाइल डेटा रिट्रीव किया जाएगा तो जो मोबाइल के अंदर डेटा होगा वो सारी जानकारियां जब मिलेंगी उससे कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो अब तक पर्दा पड़ा है उससे राज उठ सकेगा। वहीं इन्होंने किन किन लोगों को कांटेक्ट किया था जब घटनास्थल पर गए थे, प्रयागराज में ये पहुँचे थे बस के ज़रिए लखनऊ से, उसके बाद जब इनकी क्या कुछ प्लानिंग थी उस मोबाइल से पता चलेगा। तो ये रूम नंबर 203 होटल स्टे इन और 2 मोबाइल जो बरामद हुए हैं इन तीनों शूटरों के राज खोल सकते हैं। कैमरामैन कालीकान के साथ दीपक दुबे, News24 प्रयागराज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।